हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अनदर हॉल, बट आज का जो हॉल है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज अ सिंगल पर्सन मैं अपना वैलेंटाइन कैसे मनाती हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपने लिए क्या क्या खरीदा है या सेल्फ गिफ्टिंग में मैंने क्या क्या लिया है, तो प्लीज मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी प्रोडक्ट्स के डिटेल्स है वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अमेज़न पे सेल शुरू होने वाली है, यस। तो अपने विशलिस्ट जो है वो जल्दी जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए, एड टू कार्ट कर लीजिए सारे प्रोडक्ट जो भी आप लोगों को चाहिए, ताकि आप सेल का पूरा फायदा उठा सके और आपको अपने प्रोडक्ट्स बहुत सारे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाए। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो। So let's start with this amazing saree what I am wearing. This is the crimping wala saree, stretchable wala, and I've seen a lot of influencers wearing this on Instagram, so I really like it on them, so I thought I'll buy for myself. Iske sath jo blouse aaya hai wo white color ka same fabric mein blouse hai, but maine apne purane blouse ke sath pehna hua hai. पहले भी यूज किया हुआ है। मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगी आप लोगों के लिए इस ब्लाउज का, बिकॉज इस ब्लाउज की फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। मैं एक वीडियो यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आप देख सको कि पूरी साड़ी किस तरीके की लग रही है। तो ये है मेरी पहली साड़ी। और सेकेंड चीज की बात करूँ तो ये एक ऑक्सीडाइज चोकर विद दिस इयर रिंग्स, आई जस्ट लव्ड इट एंड दिस इज गोइंग सो ग्रेट विद दिस साड़ी। कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छे से जा रहा है सब कुछ। तो ये इयर रिंग्स के साथ सेट है। और एक मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है, ये जीवा का एक छोटा सा, देखो इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। मतलब फील होना चाहिए ना कि वैलेंटाइन के लिए आप अपने आप को गिफ्ट कर रहे हो। सो दिस इज अ स्मॉल लॉकेट इन ब्लू कलर सिल्वर चेन के साथ। तो ये मुझे बहुत अच्छा, बहुत क्यूट लगा था, तो इसलिए मैंने ये भी अपने आप को गिफ्ट किया। तो थोड़ा सा ऐसे मुझे फील होता रहेगा कि यस मनप्रीत, वैलेंटाइंस डे है तो तुम अपने आप को इतना सब कुछ गिफ्ट कर सकती हो। और कुछ ऐसा स्टाइलिश सा भी लगना चाहिए ना, एलिगेंट सा, क्यूट सा, मेरे जैसा बिल्कुल क्यूट। और वैलेंटाइंस को हिसाब ध्यान में रख के मैंने एक्चुअली अपने आप को ये ड्रेस गिफ्ट की है। इट्स मरून इन कलर और ये बहुत सुंदर लग रही है ना। इसमें आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ इली लंडन, बिकॉज इसके जो पहली ब्लैक वाली ड्रेस मैंने मंगाई थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो मैं यहाँ लगा दूंगी, वो ड्रेस तो सुपर 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 क्यूट थी और बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी मेरे ऊपर, या मैं ये बोलूँ कि मैं वो पहन के काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। सो दिस इज द ड्रेस जो मैंने ऑर्डर किया है, मैं वीडियो लगा दूंगी आप लोगों के लिए। फैब्रिक की बात करूँ कि थोड़ा सा पतला फैब्रिक है कंपेयर टू जो मैंने पहले ब्लैक कलर की ड्रेस मंगाई थी उसके कंपैरिजन, लेकिन इसकी फिट वगैरह जो है वो बहुत अच्छी है। ये नी से थोड़ी ऊपर आएगी एंड देन यू हैव टू यू नो पुल दिस अप अपने आप को शेप देने के लिए, अपनी बॉडी को शेप देने के लिए। तो ये ड्रेस बहुत बहुत क्यूट लगी। और इसका जो प्राइस है वो 1700 रुपीज है, लेकिन ये मुझे 799 रुपीज की मिली थी शायद, बट आई एम गोना पुट द स्क्रीनशॉट फॉर यू गाइस। तो ये मेरे को बहुत बहुत प्यारी लगी। मतलब मैं ये शूज भी लिए, हील्स, दिस इज फ्रॉम क्लॉर मेलबर्न। दिस शूज पहले भी मैंने और भी एक्चुअली शूज लिए थे पर वो मेरे साइज नहीं आए, बट ये मेरे मुझे परफेक्ट साइज है। बट आई एम ऑलवेज केयर ऑफ वेयरिंग सो मच ऑफ हील, बट मेरे को लग रहा है कि एक रेड शूज तो अपने पास होने ही चाहिए। व्हाइट कलर की ड्रेस के साथ बहुत एलिगेंट लगते हैं, मरून होते तो मेरी इस ड्रेस के साथ भी चल जाते, बट ठीक है। आई थिंक दिस इज अमेजिंग। और इसका प्राइस ये काफी ज्यादा डिस्काउंट में थे, तो आई एम गोना लीव द स्क्रीनशॉट एज यूजुअल। ओके, तो नेक्स्ट चीज जो मैंने अपने आपको गिफ्ट की है वो ये चिकनकारी वर्क किया हुआ ड्रेस है। द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस ड्रेस इज द स्लीव्स, लाइक दिस इज वेरी प्रिटी, द वर्क इज रियली ग्रेट, इट्स स्टिल एंकल लेंथ और ये थोड़ा बलून स्टाइल में है। जब मैंने पहले इसको पहना था तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, आई वॉज लुकिंग लाइक मैड, झल्ली सी लग रही थी मैं, बट देन आई अकम्पनीड दिस एंटायर लुक विद ज्वेलरी एंड प्लाजो जो मेरे पास पहले से था, सॉरी, अपने प्लाजो के साथ मैंने इसको पहना, जो कि मैं वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा दूंगी, एंड इट वॉज लुकिंग सो डैम गॉर्जियस। मतलब ये ड्रेस का पूरा लुक चेंज हो गया, मैंने इसको इसी ज्वेलरी के साथ पहना था। यू विल सी दिस हेयर, आई थिंक अगर आप लोग इस तरीके के चिकनकारी वर्क अगर आपको पसंद है ना, तो ये ड्रेस तो आपके पास होना ही चाहिए। इतना प्रिटी ड्रेस। और
ये थोड़ा सा वो है, मतलब ट्रांजी है, सो यू हैव टू वेयर एनीथिंग नीचे, जैसे मैंने प्लाजो पहना उसमें आपका टमी जो है वो इतना नजर आएगा बट वो पूरा नहीं दिखता, तो ऐसे वल्गर जैसा नहीं लगता। और नीचे प्लाजो पहनने से ये काफी ज्यादा सुंदर, मतलब इसकी पूरी लुक चेंज हो गई थी। आप चाहे तो दूसरे कलर के कॉन्ट्रास्ट कलर में भी प्लाजो पहन सकते हैं, पर मैंने व्हाइट के साथ पहना तो ये व्हाइट में भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड आई थिंक दिस ड्रेस एंड दोज हील्स विल लुक ऑसम, बिकॉज कल जब मैंने इसको पहन के शूट किया था तब तक वो रेड वाली हील्स आई नहीं थी, तो आई थिंक ये रेड वाली हील्स के साथ तो बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड माई हॉल। और मेगा फैशन सेल फॉर वैलेंटाइन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, एज यू गाइज नो दैट आई एम एफिलिएटेड टू Amazon, तो अगर आप मेरे लिंक से कुछ भी बाय करेंगे तो एक छोटा सा कमीशन का अमाउंट मुझे मिलता है, तो जो लोग भी मेरे लिंक से शॉपिंग करते हैं उनके लिए बहुत, उनको बहुत बहुत थैंक्स, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज। बट या तो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, और अगर कुछ भी है जो आप चाहते हैं कि मुझमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या इम्प्रूव होना चाहिए तो प्लीज कमेंट लिख के नीचे जरूर बता दीजिएगा, और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलती हूँ बिकॉज हम ये ट्राई ऑन हॉल करने वाले। तो ये आई कैच यू लेटर, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।